हे गाइस, काफी लोग ने मुझे कमेंट किया कि भाई कोई ऐसा काम बताइए जहां पर हमको फॉर्म फिल करके पैसे कमाने हो। तो आज मैं आपके लिए एक फॉर्म फिलिंग का काम लाया हूं जहां पर आपको सिंपली फॉर्म फिल करके हर एक फॉर्म का 100 रुपए मिलने वाले हैं। गाइस, बहुत छोटा फॉर्म फिल करना रहता है, बहुत सिंपल सिंपल नॉलेज फिल करना है आपको, आपके कोई डिटेल फिल नहीं करना है, आपको किसी जगह का रिव्यू करना है, उसके आपको मिलने वाले 100 रुपए एक फॉर्म फिल करने का। अगर आप हर दिन के 10 फॉर्म भी फिल करते हो तो आप यहाँ पर रोज के 1000 रुपए की अर्निंग कर सकते हो। काफी सिंपल काम है। अगर आप इधर डेडिकेटेड काम करते हो तो अच्छी खासी अर्निंग लेके जा सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि आप 10 मिनट के अंदर 1000 रुपए कमा लो तो भाई वीडियो को बैक करके चला जाओ, मैं आपको अंबानी नहीं बना सकता। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि गाइस यहां पर आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और आपको ऐसे ही टाइपिंग रिलेटेड, डेटा एंट्री रिलेटेड कोई भी ऑनलाइन अर्निंग करना है तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लीजिए और नीचे हमें कमेंट करके बोलिए कि आपको किस टाइप का काम चाहिए, हम आपके लिए उस टाइप के काम के लिए वीडियो बना देंगे। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते चलिए मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे। तो दोस्तों, वेबसाइट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिंपली आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वेबसाइट के लिंक पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आपको क्या फॉर्म में फिल करना है। बेसिकली आपको किसी सोसाइटी या किसी लोकेलिटी का रिव्यू करना है और हर एक रिव्यू का आपको 100 रुपया पेटीएम कैशबैक मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ 0.2 पे देख सकते हो। और यहाँ पर गाइस एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको नीचे दिए गए इन सिटीज़ के बारे में ही टाइप करना है, यानी कि फॉर्म फिल करना है। इन सिटीज़ के बारे में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तभी आपको यहाँ पर पैसे मिलेंगे, और अगर आप यहाँ पर फॉर्म सिटीज़ के बारे में नहीं फिल करते हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। बट अगर आप इन सिटीज़ से बिलोंग नहीं करते फिर भी आप यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हो। कैसे करोगे ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो चलिए फटाफट मैं गॉट इट पर क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो रिव्यू फॉर ट्रायल सोसाइटी प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पर आपको किसी सोसाइटी या किसी जगह का नाम डालना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ टाइप कर देता हूँ, तो गाइस यहाँ पर मैं अपने सोसाइटी डाल देता हूँ मुंबई अंधेरी ईस्ट, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ। और यहाँ पर मेरे को सिंपली मुंबई अंधेरी ईस्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर क्या लिख के आया है, यू नो दिस लोकेशन एज, तो यहाँ पर आप किस बेस पे इस लोकेशन को जानते हो, ओनर, टेंडेंट, फॉर्मर रेजिडेंस, रियल इस्टेट एजेंट। तो यहाँ पर अगर आप ओनर हो, जैसे कि मैं यहाँ पर ओनर हूँ तो ओनर पे क्लिक कर देना है। अगर आप कुछ और हो तो आपको कुछ और क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो गाइज यहाँ पर क्या लिख के आ रहा है, प्रोसेस टू राइट रिव्यू, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो प्रोसेस टू राइट रिव्यू पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ अब गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रेटिंग देनी पड़ेगी, जैसे कनेक्टिविटी कैसे यहाँ की, लाइफस्टाइल एंड फैसिलिटीज़ कैसी है यहाँ पर, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कैसी है, और इन्वायरमेंटल कैसा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ आप एक फॉर्म नहीं, यहाँ पर आप बहुत सारे फॉर्म फिल करने वाले हो, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ गाइज कि आप सारे रिव्यू अलग अलग करना है। सब रिव्यू में 5-5 स्टार मत दे देना, 5-5 स्टार्स मत दे देना रिव्यू रेटिंग है टाइम पे। मैं आपको अभी बताता हूँ आपको कितने कितने स्टार्स। तो गाइज जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस समय मैं यहाँ पर हर जगह पे 5 स्टार्स नहीं दिया हूँ, क्योंकि इस जगह के बारे में आपको अच्छे से जानकारी लेनी पड़ेगी। और अगर आप इस जगह के बारे में नहीं जानते तो आप गूगल पे जाइए, सबसे पहले इस जगह के बारे में जानकारी लीजिए, उसके बाद रिव्यू कीजिए। मैं क्या बोल रहा था आपको शुरुआत में, आपको इन सिटीज़ के बारे में नहीं पता, इन सिटीज़ से बिलोंग नहीं करते आप, फिर भी आप यहाँ पर कर सकते हो फॉर्म फिल। कैसे कर सकते हो, आपको सिंपली उस जगह का नाम डाल देना है, जैसे कि पूना, पूना में किसी सिटीज़ का नाम डाल देना है। उस सिटी का आपको रिव्यू करने के टाइम पर आपको सारी चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ है, उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली रिव्यू करना है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको नीचे बताता हूँ, यहाँ पर आपको व्हाट आर द पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है गाइज, यहाँ पर स्कूल कितने दूर है, हॉस्पिटल कितने दूर है, शॉपिंग मॉल्स कितने दूर है, क्या क्या चीज़ है यहाँ पर, थिएटर है कि नहीं यहाँ पर, कौन कौन सी चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, उबर कैब्स अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ पर आपको सी सैंपल पे क्लिक कर देना है, आपको सारी चीज़ मालूम पड़ जाएगी कि यहाँ पर क्या क्या आपको टाइप करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो पॉजिटिविटी सैंपल रिव्यू, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और गाइज यहाँ पर आपको सिलेक्ट पॉजिटिविटी पे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, जहाँ पर सी मोर करके आपको यहाँ पर टाइप डालना पड़ेगा कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पर पॉजिटिविटी में है। तो जैसे कि यहाँ पर गुड स्कूल्स एंड नियर बाय, यहाँ पर नज़दीक स्कूल में, गुड हॉस्पिटल एंड नियर बाय, ये भी यहाँ पर है और स्कूल भी यहाँ पर है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइज मेट्रो कनेक्टिविटी नियर बाय, यहाँ पर ये भी है, नो ट्रैफिक जाम, यहाँ पर नहीं, ट्रैफिक जाम होते हैं गाइज,
फिर यहाँ पर सेफ एंड नाइट, यहाँ पर रात में सेफ रहता है, लो पॉपुलेशन नहीं, मुंबई की लो पॉपुलेशन नहीं है, 2 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, नो वाटर शॉर्टेज, हाँ यहाँ पर पानी का कोई शॉर्टेज नहीं होता, गुड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पर ये बात तो सच है, ऑक्यूपेशन क्राइम रिपोर्ट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, मार्केट्स एट अ वॉकेबल डिस्टेंस, बराबर वॉकेबल डिस्टेंस पे है, ईजी कैब ऑटो अवेलेबल, हाँ यहाँ पर कैब्स ईजीली होते हैं। तो ऐसे करके आपको पॉजिटिविटी टाइप करना है, बस जब आप पॉजिटिविटी टाइप कर लोगे गाइस तो यहाँ पर आपको नेगेटिविटी भी डालना है कि यहाँ की क्या बुराई है, जैसे हर चीज़ की अच्छाई होती है तो हर चीज़ की एक बुराई भी होती है। तो सिंपली आपको सी सैंपल पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक सैंपल मिल जाएगा जिसको आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, चाहे पॉजिटिविटी हो चाहे नेगेटिविटी हो, आपको मिनिमम 150 कैरेक्टर टाइप करने पड़ेंगे। तो फटाफट मैं नेगेटिविटी टाइप करके आपको बताता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैंने नेगेटिविटी भी बता दी आपको, इस नेगेटिविटी में मैंने क्या क्या लिखा है ये मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने नेगेटिविटी में ये लिखा है गाइज कि जब यहाँ पर बरसात हो जाती है तो पानी भर जाता है, सीवेज यानी कि गटरों में से पानी भरने लगते हैं और बाहर आने लगते हैं, यहाँ पर ये सारी चीज़ें के बारे में लिखा है, जैसे कि इस अंधेरी के बारे में। अगर आप किसी और जगह से बिलोंग करते हो, किसी और जगह का रिव्यू कर रहे हो गूगल को देख के, तो आप उस जगह के बारे में छोटी मोटी चीज़ पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ पर रिव्यू करना है, और हर एक रिव्यू का आपको 100 रुपया पेटीएम कैशबैक मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि मैं आपको दिखा दूंगा, इस यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ कनेक्टिविटी एंड कम्युनिटी, लाइफस्टाइल एंड सेफ्टी सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, यहाँ पर आपको मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि सेम रिव्यू हर किसी पे मत देना, सब पे अलग अलग रिव्यू देना। और एक और चीज़ गाइज यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आप जब गूगल पर सर्च करोगे तो वहाँ पर कनेक्टिविटी, लाइफस्टाइल, सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल सारी चीज़ का रिव्यू रहता है, वो सेम भी डाल सकते हो आप। तो सिंपली ये करने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बता, ऐसे ही आप पोस्ट रिव्यू पे क्लिक कर दोगे तो आपको यहाँ पर आपके डिटेल फिल करने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना नाम फिल करना है, और याद रखना जो आप यहाँ पर नाम फिल करने वाले हो वो आपके पेटीएम अकाउंट से लिंक्ड हो। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है। ये तीनों चीज़ डालने के बाद आपको पोस्ट नाउ पे क्लिक कर देना। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। गाइस जैसे आप पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबमिटेड योर एफर्ट टू अस बाय हार्ट। तो यहाँ पर योर रिव्यूज़ अंडर मॉडरेशन, ये मॉडरेशन में है, पेमेंट कैश विल बी क्रेडिट इन योर वॉलेट विद इन 10 बिजनेस डे। तो 10 दिनों के अंदर ही अंदर आपके पेटीएम में कैशबैक आ जाएगा इस वेबसाइट के थ्रू, और आपको ऐसे ही अलग अलग सिटीज़ के अलग अलग वे में हर एक जगह के अलग अलग बारे में रिव्यू करना है, और हर एक रिव्यू का आपको 100 रुपया मिलने वाला है गाइस। याद रखना जो रेटिंग होती है, पॉजिटिविटी होती है, नेगेटिविटी है, वो हर जगह पे सेम मत डालना, क्योंकि आप एक ही फ़ोन नंबर से रिव्यू कर रहे हो। अगर आप दूसरे दूसरे फ़ोन नंबर से रिव्यू करोगे तो और अच्छी बात है, तब आप सेम डाल सकते हो, बट अगर आप एक ही फ़ोन नंबर से हर एक बार अलग अलग रिव्यू करते हो तो फिर बाद में आपको तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन आप एक ही फ़ोन नंबर से सेम रिव्यू करते हो तो आपको बाद में ये पैसे ना दे, ऐसा भी हो सकता है। बट जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि आपको 100 रुपया फॉर्म फिल करने का मिलेगा, तो 100% मिलेगा। हे गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताना कमेंट करके। फॉर्म फिल करके अगर आपको मजा आया होगा, बहुत छोटा फॉर्म फिल करना है, छोटे मोटे सिटीज के रिव्यू करना है, छोटे मोटे जगह के रिव्यू करना है, पॉजिटिव चीज नेगेटिव चीज बताना है बस। अगर आपको मैं बता दूं, अगर आप उस स्टेट में नहीं रहते, उस सिटी में नहीं रहते, तो गूगल पर जाके सर्च कीजिए उस सिटी के बारे में, उधर के अगल बगल के चीज के बारे में सर्च कीजिए, क्या है जगह, कहां पर हॉस्पिटल, कहां कहां जगह के बारे में सर्च कीजिए, उसकी बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, यहां पर आपको हर एक फॉर्म का 100 रुपया मिल जाएगा। ऐसे वीडियो अगर आपको चाहिए तो नीचे कमेंट में यस डाल दीजिए, ऐसे ही वीडियो लाते रहूंगा।